गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्या पार्ट 11 मेरे बाबूजी है ना। अच्छा, इसमें क्या बाबूजी के प्रधानमंत्री काल में प्राकृतिक कारणों से केरल में चावल की कमी हो गई। मैंने उनके जो सुपुत्र थे है ना, उनके सुपुत्र हैं कौन है, सुनील शास्त्री जी ने उन्हें क्या लिखते हैं। अच्छा, बाबूजी के प्रधानमंत्री काल में प्राकृतिक कारणों से केरल में चावल की कमी हो गई। जब वो प्रधानमंत्री थे, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे, तो प्राकृतिक कारण की वर्षा नहीं होने के कारण किसी कारण से क्या प्राकृतिक कारणों से क्या चावल की कमी हो गई। ठीक है, चावल केरल वासियों का मुख्य भोजन है। चावल जो है केरल वासियों का मुख्य भोजन है। चावल की पूर्ति के लिए सरकारी प्रत्र तो चल रहे थे, लेकिन उस समय चावल की पूर्ति करना कितना कठिन था, क्योंकि मुख्य भोजन बोलने से वहाँ के लोग जो साउथ इंडियन होते हैं तो सब इडली डोसा है ना, ये सब चावल से ही बनता है, इसीलिए वहाँ का मुख्य भोजन है चावल। ठीक है, जब चावल की पूर्ति के लिए सरकारी प्रयत्न तो चल रहे थे, जब केरल में चावल की कमी हो जाने के कारण वहाँ पर सरकार मैंने सरकार की तरफ से क्या हो जाएगा, पूरा प्रयत्न किया जा रहा था कि चावल की जो कमी हुई उसको भरपाई किया जाए। ठीक, कैसे किया जाए, लेकिन उस समय चावल की पूर्ति करना कितना कठिन था इसे सारा देश जानता था। उस समय चावल कितना मतलब पूर्ति करना उस समय मतलब बहुत कठिन कार्य था, लेकिन सारा देश इसे जानता था। बाबूजी के सम्मानित सहयोगी तो प्रयत्न कर ही रहे थे, बाबूजी स्वयं भी इसी सोच में डूबे रहते थे कि भाई आधे देश जो है उत्तर भारत प्रदेश जो भी मैंने उसको क्या कही चावल खा रहे हैं, चावल मिल रहा, लेकिन केरल ही ऐसा जहाँ का मुख्य भोजन है वहाँ चावल की कमी हो गई है ना। इसे इसके कारण वो क्या थे, हमेशा वो चिंतित रहते थे शास्त्री जी कि केरल में चावल की आपूर्ति कैसे ठीक हो जाएगी। उधर बाबूजी का कहना था कि चावल की कमी के कारण केरल के एक भी भाई बहन को भूखा नहीं रहने देंगे। और उनका कहना भी था कि चावल कमी होने से क्या हो जाएगा, हम जिस तरह से भी कर मैंने कैसे भी करके उसे क्या जाएगा कमी को दूर करेंगे, और केरल के जो भी भाई बहन उनको मैंने एक दिन भी भूखा रहने नहीं देंगे। इस जनहित चिंतन का पहला प्रभाव हमारी पारिवारिक रसोई पर पड़ा। उनके जो पुत्र थे कि मैंने क्या लगा मैंने चिंतन करने के बाद जो क्या होता उनका पहला अपने परिवार पे ही पड़ा। क्या है देखिए है ना, पहला पुत्री हाँ खाएंगे ठीक है पड़ा। कोई अपील दूसरों के लिए निकालने से पहले उन्होंने घर में आदेश कर दिए। मैंने कोई दूसरे अपील निकालने से पहले तो क्या क्या उन्होंने अपने घर पे ही मैंने उस अपील क्या कि लागू किया है ना, अपने घर में ही मतलब है ना इस्तेमाल। अच्छा, आदेश कर दिया हम सब लोग तब तक चावल नहीं खाएंगे जब तक केरल में चावल की पूर्ति आवश्यकता अनुसार नहीं हो जाती। शास्त्री जी ने सबसे पहले अपने घर के लोगों को क्या कहे कि जब हम अभी मैंने तब तक चावल नहीं खाएंगे जब तक केरल में चावल की जो कमी की जो पूर्ति नहीं हो जाती। ठीक है, नहीं हो जाती हो सकता है ना, चावल की पूर्ति आवश्यकता नहीं रहती। चावल पूजा में अक्षत के नाम पर इस्तेमाल होता है। चावल जो है अक्षत जो हम लोग भगवान पर चढ़ाते हैं वो अक्षत के है ना नाम पर होता है, इस्तेमाल होता है। इसे अक्षत ही रहने दो, इसे अक्षत ही रहने दो, भरपेट नहीं मतलब खाने के लिए नहीं। इस आदेश का सबसे अधिक असर आदरणीय हरि भैया वो मेरे ऊपर पड़ा, क्योंकि हम दोनों ने परिवार में भता अर्थात पूरी तरह से भोजन में ही चावल खाने के रूप में विख्यात थे। जब शास्त्री जी ने अपने परिवार में जब चावल खाने से मना कर दिया कि जब तक हम केरल के चावल की पूर्ति कमी नहीं कर मैंने जो कमी है उसको मतलब क्या हो जाएगा नहीं कर देंगे अपने अपने घर में क्या हो जाएगा तब तक हम चावल नहीं खाएंगे, तो उनके जो भाई तो वो कहते हैं कि हमारे ऊपर पड़ा हरि भैया और जो हमें मेरे आते हो कि वो सबको क्या था चावल खाने का आदि मैंने सबको आदत था ना, वो एक दिन चावल खाते एक दिन चावल के बिना वो नहीं रह सकते थे। ठीक है, हमें कठिनाई तो हुई लेकिन बाबूजी के समझाने पर यह विश्व प्रसिद्ध तरीका हमें संतुष्ट कर गया। शास्त्री जी के समझाने पर कि वो लोग हमारे जो वो लोग हमारे भाई बहन है वो लोग क्या अगर नहीं खाएंगे वो सब भूखे रहेंगे और हम लोग उस चीज़ को खाएंगे हमें अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हम सब भारतीय हैं है ना। अच्छा, जिसे पश्चिमी देशों के पत्रकारों ने उनके प्रेरित है ना प्रेरित कर देने वाली सादगी कहा था, हम सब महीनों बिना चावल के काम चलाते रहे। इस अनुभव ने हमें राष्ट्रीय कठिनाइयों को महसूस करना और उनके हल को कुछ करना सिखाया। माने उन्होंने जब केरल में भारी मात्रा में जब चावल की कमी हो जाने के कारण उन्होंने जनहित में अपने जो
देशवासियों थे उनसे क्या कहे, उत्तर भारत के लोगों को क्या कहे कि चावल खाने के लिए मना किए कि क्योंकि यही चावल अगर मतलब नहीं खाकर जो चावल बचता है उसको हम लोग क्या करेंगे, मतलब केरल में देंगे, है ना, केरल के लोगों को दिया जाए, है ना। इस तरह से ये अनुभव को कठिनाई कुछ करना सिखाया। हम लोग जान गए कि केरलवासी भाई बहन का दुख कैसा होगा। शास्त्री जी ने साथ ही शास्त्री परिवार के हर व्यक्ति ने जो बात सीखी ऐसे ही अनेक अनुभवों ने सीखी और वह है आदर्श को आदत बना डालना, उसे पूरा किताबी उद्देश्य न रहने देना, है ना। कि जो केरल में जो चावल की कमी थी उन्होंने क्या किया, लोगों से क्या कहे कि चावल ना खाने की अपील की, और उन्होंने उत्तर भारत के जो भी लोग थे मतलब क्या थे उन्हें चावल खाना कमी कर दिए, बंद कर दिए, वही आप वही चावल का उपयोग क्या हो जाएगा केरल में होने लगा, ठीक है, केरल में होने लगा, अच्छा होने लगा। और इसी उद्देश्य किताब उद्देश्य ना रहा। बाबू जी की प्रारंभिक जीवन अभावों के बीच गुजरा यह भी जानते हैं, किंतु होश संभालते ही उन्होंने अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम के संबंध कर लिया। मैंने शास्त्री जी का शुरू का जो मतलब उनका जीवन क्या होता है बहुत अभावों में बीता, ठीक है, सभी जानते हैं, किंतु होश संभालने से उन्होंने अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम से संबंध जैसे जैसे वो मतलब होश संभाल जैसे मतलब वो बड़े मुद्दे क्या जगह वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, महात्मा गांधी को लिखते हैं। उनकी दिनचर्या का हर दिन हर क्षण राष्ट्र के लिए था, वे हमेशा अपने राष्ट्र के बारे में सोच अपने देश के बारे में सोचा करते थे, है ना, राष्ट्रीय धारा के साथ था। स्वतंत्रता पूर्व के भारत का इतिहास जहाँ जिस रूप में बन रहा था वहीं पर बाबू जी का जीवन इतिहास उसी साथ परस्पर एक दूसरे से, मैंने हमारे जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से जब उनका जो जब वो बचपन था तो उनका बहुत अभाव मिलता है, जब वो थोड़ा सा होश में मैंने होश गए तब उनका क्या हो जाएगा उनका जो मतलब मैंने वो क्या राष्ट्र के बारे में मतलब क्या हो जाएगा स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, ठीक है।